तो फोर्थ पॉइंट मुझे इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा लगा है वो है इस गाड़ी का एंटरटेनमेंट सिस्टम। एंटरटेनमेंट है दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टाटा नेक्सॉन के ऑल द पॉजिटिव थिंग्स का रिव्यू। और मैं हम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी अलग, क्योंकि मैं नहीं, मेरी सिस्टर करने वाली है ये इस कार के रिव्यू, जो कि इसमें सारे बताएंगी पॉजिटिव पॉइंट्स। तो बुलाते हैं अपनी सिस्टर को। Here we go. Hi guys, what's up? So guys, moving on with first positive thing, जो कि हम पूछते हैं अपने सिस्टर से कि इस कार को देखते ही रोड पे क्या लगता है। मुझे इस कार की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस कार का एग्रेसिव बहुत ज़्यादा लुक है, रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आती है, क्योंकि इसका बल्कि बोनट की वजह से इसकी जो विड्थ है वो एक फुल साइज़ SUV यानी कि सेल्टॉस से भी ज़्यादा चौड़ी आपको मिलेगी इसकी विड्थ। मूविंग ऑन विद सेकेंड पॉजिटिव थिंग। तो जो सेकेंड चीज़ मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो इस गाड़ी का ड्राइविंग कम्फर्ट। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इस गाड़ी का ड्राइविंग कम्फर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसमें एक छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो गाड़ी को बनाती है एक फन टू ड्राइव कार, जैसे कि इस कार को आते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स जो कि टाटा ऑफर करती है, जो कि हर कंडीशन में, हर टाइप की रोड कंडीशन में आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस देगी कार की, जो कि है सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। थर्ड थिंग जो इस कार की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है उस गाड़ी का है कम्फर्ट लेवल। द कम्फर्ट लेवल ऑफ दिस कार इज सुपर्ब, एंड चाहे आप सीट्स की बात करो, लेग रूम की बात करो, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। या टोटली एग्री विद दिस पॉइंट टू। ये कार जो है बेस्ट इन सेगमेंट कार सीट प्रोवाइड करती है मेरे हिसाब से, इतनी कुशनी जो है और राइड को लगाती है 5 स्टार। तो फोर्थ पॉइंट मुझे इस गाड़ी का जो सबसे अच्छा लगा है वो है इस गाड़ी का एंटरटेनमेंट सिस्टम। सॉरी गाइस, इंफोटेनमेंट सिस्टम। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है बेस्ट इन सेगमेंट आपको प्रोवाइड करती है टाटा, जो कि है हरमन का 8 स्पीकर सिस्टम, जिसमें 4 कंपोनेंट और 4 ट्विटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ इन 3, 2, 1। ये क्या कर रही है? इसकी नेक्स्ट क्वालिटी बता रही हूँ, इसकी नेक्स्ट क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी। हाँ, ये बात सही है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो है बेस्ट इन सेगमेंट, 5 स्टार रेटिंग, इंडिया की एक लौती कार जो कि 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में लेके आई है, तो इसके लिए तो लाइक बनता है एक। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि ये कार मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है इसके कॉम्पिटिटर से अगर कंपेयर किया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा खासा एक तो अमाउंट पे कर रहे हैं इसमें, 10-11 लाख तक का अमाउंट पे करते हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि एक कस्टमर चाहता है कि उसे अच्छा खासा फीचर लोडेड जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो मिले। अब जैसे अगर मैं बात ही करूँ किया सोनेट की, तो किया सोनेट में आप HTX प्लस वेरिएंट भी लें तो रियर वाइपर वॉशर और डीफॉगर नहीं मिलता आपको, अलॉय व्हील नहीं मिलते, और वही सारे फीचर्स आपको कम प्राइस रेंज में टाटा नेक्सॉन प्रोवाइड करती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मुझे पॉइंट लगता है इस कार का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो कि आप कन्विंस करना चाहते हैं जिनको कि टाटा नेक्सॉन ही परचेज किया जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।